अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान नुज़हत बातें पैसों की के साथ। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारे प्रोग्राम में उन बातों पे डिस्कस किया जाता है जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर जो है लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट और पर्सनल जो भी आपके पैसे होते हैं उसको लेके हम बात करते हैं। और हर तरह की गुफ्तगु हमारे इस शो में होंगे। और नाज़रीन, जैसे आप सबको मालूम है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो आजकल इस दुनिया में हो रही है, हमारे माशरे में हो रही है, उसका असर जो है सबसे पहले वो हमारे इकोनॉमिक पे पड़ता है। और जब इकोनॉमिक पे पड़ता है तो यानी कि आपको पता ही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे पड़ता है। तो उसको भी हम अपने इस प्रोग्राम में जो है डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के लिए जो है लोग जो है या आप लोग जो है हमें ईमेल करते हैं कि आपको टॉपिक आप हमें दे देते हैं कि इस टॉपिक पे जो है हमें अपने जो माहिर एक्सपर्ट है यहाँ पे फाइनेंस के एक्सपर्ट, उनसे बात करनी होती है। तो आज हमारे साथ हमेशा की तरह फाइनेंस एक्सपर्ट के जो माहिर है हमारे इकबाल घांची साहब, हम उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम इकबाल, थैंक यू। कैसे हैं आप? थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपको खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम में, बातें पैसों की, राइट? इससे कि इसके अलावा तो कोई बातें हो ही नहीं है। दुनिया जो है वो पैसों के मसला है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सारा इसका इम्पैक्ट खाली पैसा नहीं होता, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, टर्की में क्या हो गया, वो कल उसने क्या स्पीच कर दी रात को, हमने क्या याद दे दिया, उसका इम्पैक्ट सारा स्टॉक एक्सचेंज पे है और हमारे जो है ना सारा पूरी ये। हाँ, बहुत ही गौरव धंधा है, आसान नहीं है। सही बोला। अच्छा इकबाल साहब, आज हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट वीक जो हमने बात की थी रिटायरमेंट के पैसों को लेके, स्टॉक मार्केट में जिस तरह अप एंड डाउन हो रहा है, हम उसको के बात कर रहे थे। जब ईमेल आई है तो हर तरीके से ईमेल हमारे पास आ रही है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी को लेके आ रहा है, आईआरएस के मामला को लेके आ रहा है, या फिर मॉर्गेज को लेके आ रहा है। मगर जब हमारे पास ईमेल आती है और जिसमें ज्यादा क्वेश्चन जिस तरह के किए जाते हैं, तो आज हम टॉपिक उसी पे बात करेंगे। तो मॉर्गेज है आज का टॉपिक हमारा। सो सबसे पहले मैं आपसे अपनी तरफ से सवाल पूछती हूँ कि मॉर्गेज पे हमें घर लेना चाहिए और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है, मुश्किल भी सवाल है। देखिए, मॉर्गेज पे घर लेना चाहिए, तकरीबन मेरा ख्याल है ये देखकर कुछ मतलब कि जो आप यूं समझ लीजिए, सपोज करें कि अगर यूएसए में अगर 100 बंदों ने मॉर्गेज पे घर लिया है, तो मेरे हिसाब से ये कि 90% लोगों 90% 90 ने बिल्कुल सही फैसला किया है। तो दूसरे लफ्ज में ये कहना कि अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आपको मॉर्गेज पे यानी उधार पे आपको यूएस में घर लेना चाहिए। जो मैंने आपसे कहा कि 5-10% अभी आपके ये सूरत हाल नहीं है और आपने जल्दी फैसला कर लिया है, लेकिन अदरवाइज जितने लोग लेते हैं मेरा ख्याल 90% लोग सही फैसला करते हैं। सही फैसला करते हैं। ओके, कहते हैं ना, जैसे हमारे बाप दादा कहते थे कि उधार पे घर नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? मगर हम यूएसए में हैं, यहाँ तो उधार में हर चीज उधार पे, राइट? घर भी, गाड़ी भी, सारा कुछ जो है वो उधार पे चल रहा है। इवन सेलफोन भी अगर आप देखें तो जो $15 कट रहा है टेक्निकली वो हमारा नहीं है। एग्जैक्टली, आप बंद करने से भी आपसे वापस ले लेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कभी किसी कंपनी से एग्रीमेंट हो जाए और अगर हम एग्रीमेंट तोड़ दें तो वो चीज भी वापस उनके पास चलेगी, राइट? तो मतलब क्यों ऐसा है, जब बाप दादा जब पहले मना करते थे कि उधार पे नहीं करो, यहाँ पे हम उसको नजरअंदाज करके हर चीज को उधार पे ले रहे हैं, हर चीज उधार पे ले रहे हैं, खासकर घर, बहुत बढ़िया फैसला। अच्छा, उसमें बेसिकली मेरा ख्याल है वो जो हमारे फोर फादर सोचते थे ना, वो सही थे, हम भी सही है। वो क्यों बता रहा हूँ जी, देखिए हमारे अगर आप देखें तो हमारे 30-40 साल पहले पाकिस्तान या इंडिया में इस किस्म की कोई फैसिलिटी, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे कि जहाँ से आप जैसे यहाँ पर है बैंक्स वगैरह जो दे रहे हैं आप उनसे पैसा ले सके। तो इसलिए वो मना करते थे कि पैसा, आपने पैसे अपने अगर पास पैसा है तो आप घर खरीदे। मैं एग्जाम्पल तुम साल करो, सपोज करें कि उस वक्त किसी ने 3 लाख का घर लेना है तो उसके पास 2.5 लाख है, तो वो उसको चाहिए उस जमाने में बाप दादा के हिसाब से कि वो 2.5 लाख का ही ले। अगर सपोज करो उसने अगर 50,000 लिए तो उसने जा रहे किसी बनिए से या जो प्राइवेट लेंडर से वो आपने घर आपने वो पैसे लिए, वो 50,000 मालूम चला कि वो उसका इंटरेस्ट रेट जा रहा है 15%, मेरा ख्याल 15 के बल्कि पर मंथ 3-3% होता था, यानी 40% पर ईयर के हिसाब से वो आपको उस जमाने में आपको कर्जा मिलता था। तो हमारे जो फोर फादर या हमारे जो ये पुराने जो कहकर गए उधार मत लेना, वो मेरा ख्याल उस हिसाब से बिल्कुल सही था। इसलिए इस किस्म की कोई फैसिलिटी उस वक्त नहीं थी। मतलब आज देखें कि मैं अभी आज ही देख रहा था कि हम इस वक्त जो है यहाँ पर
मॉर्गेज का 30 साल का रेट जो है वो 3.35% पर आ गया है, जस्ट 3.35% पर ईयर। उस वक्त जो मैंने बताया कि वो तो 40% पे जो है हमें पैसा मिलता था, जो प्राइवेट लेंडर आप कह ले या बनिए जो दिया करते थे, तो आप देखें कि 3.375 तकरीबन 3.5 था, लेकिन आज तकरीबन 3.375 हो गया है। और ये पूरी दुनिया में ये वाहिद मुल्क है कि ये 30 साल का फिक्स है। इसका मतलब ये कि आपने आज जो ले लिया उसके बाद 30 साल तक रेट बढ़ नहीं सकता। ये मेरे ख्याल दुनिया में कहीं नहीं होता। आज भी जैसे आपने कहा ना कि आज भी आप अगर जो इंडियन जो इंडिया में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इवन कनाडा में चले जाए, आप यूके में चले जाए, ऐसी कोई फैसिलिटी जो है आपको नहीं मिलेगी कि आपको फॉर एग्जांपल आपने 3.5 या 3.375 पे आपने उधार लिया, मॉर्गेज पे लिया, वो आपने वो अमाउंट देनी है। अच्छा, हाँ, तो उस हवाले से वो हमारे फोर फादर भी फैसिलिटीज नहीं थी। और खासकर जैसे आपने कहा यूएस में, तो मेरे अपने हिसाब से ये जो फैसिलिटी की आपने 3.375 पे घर ले लिया और आपको ये उसके बाद रेंट 20% क्यों ना चला जाए अगले फ्यूचर में, आपने ये पेमेंट करनी है। और दुनिया के वाहिद मुल्क है कि सपोज करो 3.375 है, सपोज करो 7 साल के बाद ही हो जाता है 2.15%, तो आप उसको रिफाइनेंसिंग करा सकते हैं। यानी आपने कुछ खर्चा होता है आपका, लेकिन आप कम पैसा होगा तो आपको बेनिफिट होगा। अगर रेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मैंने कहा ना आपने सपोज 3.5 पे ले लिया, अगले साल 7 हो गया, फिर 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, आपको पता 20 साल पहले हमारे 15% इंटरेस्ट रेट था, दोबारा जा सकता है। तो आप मुझे बताएं कि वो हमारे बाप दादा झूठ नहीं बोलते थे, उनका अपना उस वक्त की बात सही है, लेकिन आज आज के दौर में खासकर यूएस में अगर आप रहते हैं तो आपकी मेरा ख्याल पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी जैसे ही आपको मौका लगे आपने मॉर्गेज, और आजकल जैसे मैंने बताया कि 3.375 इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। जो रिफाइनेंस की बात की उस बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उसका भी हमारे पास सवाल है। और जो उधार वाली बात है, जब बाप दादा ने बोला था तो अब तो बाप दादा की बात कोई ज्यादा सुन भी नहीं रहा है, और पाकिस्तान में भी जो है लोग जो है अब उसको हमारे पाकिस्तान में भी वहाँ पर भी फैसिलिटी थोड़ी सी आगे, ये बैंक्स वगैरह दे रही है, लेकिन ये कोई नहीं होगा कि आपको 30 साल तक कहा जाएगा कि आप जो है ये आपका आपका इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा वहाँ पर ये होता है कि अगर वो देखते हैं आपकी एज अगर 30 साल की है तो सोचते हैं कि आप 60 साल तक काम करेंगे तो आपको 30 साल का मिलेगा, आपकी एज 45 साल है तो आपको 15 साल का मिलेगा। यहाँ तो अगर 59 ईयर्स का बंदा चला जाए बैंक में तो उसको 30 ईयर्स का दे देंगे। तो जितनी फैसिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉर्गेज की इस यूएसए में दी हुई है हमारे इस सिस्टम ने, वो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से कि वो आप अपना घर जो है आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, बस आप ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल रेट एंड फिक्स्ड रेट। अच्छा, तो ये हाँ, ये जो जैसे मैंने कहा ना कि सपोज करे कि आपने कहा कि मैंने तो मॉर्गेज चाहिए 30 साल की फिक्स चाहिए, ठीक था कि मैं मुझे ये मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, अभी आप कुछ फिक्स की बात कर रहे थे ना, ये 30 इयर्स की लाइफ समथिंग, तो मेरे जहन में एकदम वही सवाल आ रहा है। होता ही है कि आप जब जाके बैंक से बात करेंगे तो आपसे कहेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास दोनों फैसिलिटीज है, वेरिएबल रेट्स भी हैं और फिक्स्ड रेट्स है। अब जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त जो है 30 साल का, जैसे मैंने कहा कि आज का रेट जो है 3.375 चल रहा है, तो ये फिक्स रेट है कि आपका अगले 30 साल तक ये रेट चेंज नहीं होगा। तो वो लोग जो सोचते हैं कि अगर ये रेट जो है यही रहेगा, बल्कि बढ़ सकता है, तो वो मेरा ख्याल है नॉर्मली लोग फिक्स रेट पर जाते हैं। अच्छा, वेरिएबल रेट का फायदा ये होता है कि नॉर्मली जो वेरिएबल रेट होगा वो उसको कहलाता है फॉर एग्जांपल 5/1 आर्म एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज, ARM एडजस्टेबल। एग्जांपल मैं बताऊं आपको, आजकल जैसे 5 आर्म चल रहा है 2.75%, इसका मतलब ये होगा कि 5 साल तक आपका रेट रहेगा 2.75%। टोटल आपको पेमेंट करनी है 30 साल में, लेकिन फर्स्ट 5 इयर्स का रेट होगा 2.75% वेरिएबल रेट कहलाएगा वो। इसका मतलब ये होगा कि 5 साल के बाद वो रेट जो है उस वक्त जो भी आपका वो रेट होगा 5 साल के बाद जो प्राइम रेट होगा वो फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा। सपोज तो आपने घर ले लिया फॉर एग्जांपल 3.375 पे 30 साल का, हाँ तो आप तो बिल्कुल आराम से है, आपको कोई मसला नहीं है। सपोज मैंने घर ले लिया, पेमेंट करनी है 30 साल में, लेकिन इंटरेस्ट रेट ये है कि 5 साल का फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे जो 2.75 चाहिए, तो सारे आपके रेट से मेरा रेट कम है ना, आपका फॉर एग्जांपल 3.375 है, मेरा 2.75 है, लेकिन 5 साल के बाद अगर वो रेट 15% हुआ तो वो मुझे तो वो 5 साल के बाद उस रेट पे जाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये लोग ये जो
जो ये सोचते हैं कि वो रेट शायद फ्यूचर में कम हो तो उसके लिए तो मेरा ख्याल वेरिएबल रेट सही है, लेकिन आज के मैं नहीं समझता 2.75 से और क्या कम होगा। हाँ, सही बात है, तो फिक्स सही है मेरे हिसाब से आजकल जो जो है हमें अगर थोड़ा अनलेस के कोई एक आपका ये होता है कि मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा आजकल 7 आम चल रहा है 3, देखे ना आप कमाल ये 7 आम चल रहा है 3.75 आज का, यानी कि 7 साल के लिए आपने कहा 30 साल में पेमेंट करूंगा और मैंने 7 साल के अंदर जो है वो मुझे चाहिए वेरिएबल रेट, वो चल रहा है 3.375 आज का और 30 साल के लिए 3.375 है, तो कोई मेरा ख्याल है मतलब कोई तुकी नहीं बनता कि आप ही 7 साल पे जाए। शायद अगर आप सोचे कि चलो मैं 5 साल वाला 2.75% मैं आपको ले लूं, लेकिन 5 साल के बाद वो जो रेट बढ़ेगा तो फिर आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, तो बेहतर ये कि आज के दौर में जो है इससे कम क्या रेट जाएगा। अच्छा, जैसे मॉर्गेज की बात हो रही है और मॉर्गेज की बात में जो है हमारे टैक्सीस में हमारे दोस्त रहते हैं जावेद साहब हैं, उन्होंने मुझे ईमेल किया था और ईमेल से उन्होंने पूछा है कि मॉर्गेज जो होती है वो 30 साल की सही होती है या 15 साल की, दोनों में से कौन सा मतलब बेटर होगा? अगर मैं ब्लंट जवाब दूं, ब्लंट ठीक है, तो मैं कहूंगा 15 साल, 15 साल ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि मैंने कितने के लिए, तो मैं कहूंगा मैंने तो 30 साल के लिए, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि सबसे बेहतर तो ये है कि 15 साल की होनी चाहिए, मतलब आप प्लानिंग इस तरह से करें कि आप 15 साल में उतार दें। घर लिया था तो मैं भी 30 साल के फिक्स पर गया था, हालांकि मैं सबको मशवरा देता हूँ कि 15 साल जो है वो ज्यादा बेहतर है, मतलब किताब के हिसाब से आपको देखा जाए तो 15 साल बेहतर है, लेकिन होता ये कि वो प्रैक्टिकली दिखा गया कि मेरा ख्याल 80% लोग, मोर देन 85% लोग वो 30 साल ओके। नाज़रीन, जैसे आप लोग आज हमारा मौजू चल रहा है इस वक्त मॉर्गेज को लेके, कि मॉर्गेज में हमें कैसे मतलब कि अपने पैसों को बचाना है, कम एयर का लेना है, ज्यादा एयर्स का लेना है, किस तरह करना है, और एक और भी सवाल है मेरे जहन में, वो हम बाद में बात करेंगे, मगर एक काम करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके सामने स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा नंबर और ईमेल आईडी, तो प्लीज आप हमें उस नंबर पे भी कॉल करके अपने क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं और साथ साथ जो है ईमेल करके भी आप हमें जो है अपने सवाल जो आपके जहन में आ रहे हैं वो हमें आप सेंड कर सकते हैं। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, हम यूं गए और यूं वापिस आए। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है बातें पैसों की, एंड बातें पैसों के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नुजात और हमारे साथ फाइनेंस के एक्सपर्ट इकबाल खांची साहब साथ हैं हमारे, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं मॉर्गेज को लेके, हर औरत का इकबाल साहब एक सपना होता है घर बनाने का, ठीक है, घर बनाते हैं और सपना औरत देती है बेचारा मम्मी, चले ठीक है सपना आपको अच्छी बात, बिल्कुल नहीं आप सही बोल रहे हैं, मगर पहले सबसे पहले औरत का ही सपना होता है, औरत फोर्स करेगी तो बेचारा जो उनके हस्बैंड है मालकन तो औरत ही होती है, एग्जैक्टली, तो वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं राइट, कि घर खरीदते हैं, घर बनाते हैं, बिल्कुल वो कर लेते हैं, मगर ये जब घर ले लेते हैं पूरे तरीके से घर बना लेते हैं और अगर सडनली कुछ अचानक से कुछ ऐसा आ जाए लाइफ में आपके, मैं बात कर रही हूँ फोरक्लोजर के बारे में, कि फोरक्लोजर क्या है, ठीक है, जैसे कि लास्ट 2008 में बहुत बड़ा एक समझे आप अजाब ही बोलेंगे उसको, अजाब आया था कि काफी लोग जो है फोरक्लोजर पे जो है शिकार हो गए थे, जिनके अपने घर थे जो भी था, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। फोरक्लोजर जो 2008 के बात कर रही, वो तो सिर्फ वही नहीं कि जिन लोगों ने मॉर्गेज लिया, बल्कि उसका जो इम्पैक्ट ये हुआ कि वो उसका इम्पैक्ट हमारे जा रहे स्टॉक मार्केट पे गया, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि उसी पीरियड में तकरीबन स्टॉक मार्केट जो है 66% डाउन हुई, इसका इम्पैक्ट जाके वो फिर यूके में गया, यूरोप में गया, जापान में गया, यानी इसने तो जो है ना ये जो माफिया कह ले या उसको एक नॉन कंट्रोल वाली बात है वो कर ले। अच्छा, हुआ ये जैसे आपने कहा 2008 में, कि सपोज करो कि आपने 2005 में घर लिया 3 लाख का, ठीक है ना, और आपको उन्होंने आपने 30% दिया और उसको आपको तकरीबन से आपने 2 लाख की मॉर्गेज ले ली, अपने आराम से पेमेंट कर रहे हैं, पता चला कि वैसा ऐसा बस वो घर की कीमत बढ़ने लगी, मान चला कि मान आपका घर जो 3 लाख का उन्होंने 4 लाख का हो गया, ठीक है। अच्छा, मॉर्गेज कंपनियों ने और बैंकों ने आपको खत भेजना शुरू कर दिया कि भाई वो आपके पास जो है आपका ये जो घर है इस पे आपकी इतनी इक्विटी मौजूद है, यानी आपका जो आप समझ रहे हैं कि वो आप 2 लाख आपने लिए हुए तो आपका घर की क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है तो अब आप तो 1 लाख और ले सकते हैं,
सही, ठीक है ना, आप रिफाइनेंसिंग करवाए और 1 लाख और लें, और 1 लाख लेने के बाद आप यूं करें कि वो आप यकीन करें कि वो आते थे ब्रोशर, क्या आप नई गाड़ी लें, आप जाके वो घूमे फिरे, आप बच्चों को पढ़ाएं। सही। तो हुआ ये कि वो जो वो ऐसी आपका वो टेम्पटेशन था कि लोगों ने अपने बाकी 2007-08 में लोगों ने मालूम चला कि लाख दो दो तीन तीन चार चार लाख डॉलर इस वजह से, चलो ठीक है मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो लोगों ने लेना शुरू कर दिया। अब आप सोचे कि तरीके का, जैसे आपने कहा होना तो ये चाहिए कि बंदा, जैसे आपने कहा कम से कम बाप दादा की बात ख्याल रखते, क्योंकि मैक्सिमम वो जो है वो आपका डाउन पेमेंट करे, ठीक है, और उसके बाद वो उसको जो है ताकि वो कैश मैक्सिमम जाए और कर्जा कम से कम रहे। क्योंकि जो मैं मॉर्गेज की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपका कहा 15 साल का कोशिश करनी चाहिए और मैक्सिमम हमें उसका डाउन पेमेंट करनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। हुआ है कि उस जमाने में बैंकों ने जो है ना, आप यकीन करें 5% के ऊपर आपको मोर्टेज देना शुरू कर दी, यानी घर वाले चला के 10 लाख का है तो उनको 50,000 दे आप डाउन पेमेंट और आप घर ले ले, ठीक है ना, 95% आपको मोर्टेज दे दी। उसके बाद एक तो ये तरीका किया इन्होंने, दूसरा उन्होंने ये किया कि वो जो आपका आपको खत बखत आ रहा है मोर्टेज कंपनी हो गए बैंक के, भाई आपकी आप तो मालदार हो गए, ठीक है, तो आप उसको पैसा लाना शुरू कर दिए। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों ने कहा अच्छा ठीक है चलो मैं 1 लाख डॉलर ले लेता हूँ, कितना फर्क पड़ गया मुझे, मेरी 500 की किस्त बढ़ जाएगी, 500 क्या 1 लाख डॉलर के होते हुए। अब पता चला कि वो 1 लाख आपने या तो किसी तरीके से बिजनेस में आपने उसको इस्तेमाल किया होता, वो इस तरह तो नहीं हुआ, मालूम ही चला कि वो पैसा आपने कहीं इधर जो है अमेरिका में, तो जितना मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जो कंज्यूमिंग जो कम्युनिटी है वो अमेरिका है, उनको पैसा मिल जाना चाहिए। उन्होंने लोगों ने गाड़ियां लेना शुरू कर दी, लोगों ने घूमना फिरना शुरू कर दिया, बेगम ने ख्वाब देखा था, मियां ने उससे बड़ा ख्वाब देख लिया कि चलो ये और पैसे आ रहे हैं, तो बैठे बैठे लोग मालूम चला के वो सो कॉल अमीर हो गए। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि वो ये तो एक बबल था ना, आपने इसका ना जो बबल था, और जैसे 2008 में ये बबल इसको जो बस्ट हुआ और कीमतें अपनी जगह पर आने लगी, तो बैंक को खदाने लगे कि भई आपका जो घर 3 लाख का है और आपने 4 लाख आपने कर्जा लिया हुआ है, तो एक प्रेशर ये कि हमें 1 लाख वापस करो, अच्छा। दूसरा ये हुआ कि वो उसकी वजह से जो बैंकों को जो था उनका रेशियो आउट होने लगा, क्योंकि वो जो बैंक के ऑडिटर्स कहने लगे भी आपने जो इन लोगों पे जो मॉर्गेज जो आपने दिया हुआ है उसके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू कम है, तो बैंक की जो है वो आपकी वो बैंक के ऊपर उसको इम्पैक्ट आने लगा कि आपने किस किस्म के आपने लोन दिए हुए, ठीक है, तो बैंकों ने इन पर प्रेशर डाला है पैसे दें, उसकी वजह से ये हुआ कि इकोनॉमी डाउन होने लगी। मालूम चला कि वो जैसे आपने कहा 1 लाख आपने एक्स्ट्रा लेके 500 डॉलर बढ़ा के आपने वो अपनी मॉर्गेज बढ़ा दी, वो जो मॉर्गेज आपने बढ़ा दी बैंक ने कहा पैसे दो, अब आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो पता चला कि ये जो फोरक्लोजर का मतलब होता है ये टेक्निकली एक लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस के अंदर जो मॉर्गेज कंपनी है वो घर जो है अपने नाम कर लेती है, वो घर उनका हो जाता है टेक्निकली, हाँ ठीक है ना। तो उसके बाद वो बाद में ऑक्शन करे या बेचे, मतलब ये जैसे आपने कहा ना वो जो बर्बादी हुई, लेकिन वो उसमें ज्यादा दो लोगों का कसूर था, एक कसूर उनका था कि जिन लोगों, बल्कि मेरा ख्याल पहला कसूर उनका था कि जो बैंकों ने इस तरह से 5% पे आप कर्जा ले लें, अब कितना सख्त हुआ है, आप तो 20% आप दें 25% दें, उस वक्त 5% पे उन्होंने कहा आप जो 5% डाउन पेमेंट करें घर ले लें। दूसरा उन्होंने जैसे मैंने कहा कि भाई आप तो पैसे आप तो अमीर हो रहे हैं तो आप हमसे वो जो कैश आउट लें, वो क्या कहते हैं रिफाइनेंसिंग, आप रिफाइनेंसिंग करें और आप 50,000 ले लें, आप लाख ले लें। सॉरी, रिफाइनेंसिंग से मुझे याद आया कि हमारे एक व्यूअर्स हैं जो कि सेविल से हमें मतलब उन्होंने ईमेल की है, और उनका एक सवाल था, समीर नाम है उनका, उनका सवाल है कि उन्होंने मॉर्गेज तो वो दे रहे हैं मगर उसको रिफाइनेंस करवाना है, तो रिफाइनेंस कराने का तरीका क्या है, और मतलब कि सच्ची में बताएं कि रिफाइनेंस है क्या। अच्छा, रिफाइनेंस कहा ना शुरू में कि ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है कि आप फिक्स आप ले लें 30 साल के लिए, रेट बड़ा आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन सपोज करो ये जो साहब है, सपोज करो 4.5% पे या 4.25% पे लिया हो, फॉर एग्जांपल आज का रेट है ये 3.375, लेकिन रीफाइनेंसिंग का रेट तकरीबन 3.5% है, ठीक है, तो अगर इन्होंने 4% या उससे ऊपर उनके पास है 4% या उसके ऊपर, तो मेरा मशवरा ये है कि उनको जो है रिफाइनेंसिंग करा लेनी चाहिए। रिफाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि उनकी जो मंथली उसमें थोड़ा खर्चा जरूर आएगा, एक आध बैंक तो जैसे यहाँ पर है वो सिर्फ $499 चार्ज करती है, फिक्स चार्ज उनके है, तो आपने एक बार 499 दे दिया फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट रेट से 4% है, आप चले जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा, तो बाकी आपके जितना भी पीरियड आपका बाकी है 15 साल 20 साल 25 साल वो जो आपका 4% से भी आप दोबारा 3.5% पे आ जाएंगे, तो उन लोगों को जो इस वक्त 4% या उस ऊपर है, मेरा मशवरा है कि इनको फौरन जो है ना
फॉरेन से पेस्टर, ये इसके पहले के रेट थोड़े बढ़ने लगे, 3.5 से रीफाइनेंसिंग रेट कहाँ से मिलेगा? नहीं, अगर जैसे उन्होंने 30 साल की करवाई थी मॉर्गेज, ठीक है, और 30 साल में उन्होंने फिर इसको दोबारा से समझे, 4 साल के अंदर, नहीं आई थिंक 5 साल के अंदर उन्होंने जो है उसको रीफाइनेंस करवाना चाह रहे हैं, जी जी, तो उसका मतलब के असर पड़ेगा जो 30 साल का? हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा, अगर उन्होंने 30 साल में घर लिया, 5 साल हो चुके हैं और सब सारे 5 साल पहले कम से कम रेट उनका 4 या ऊपर ही होगा, तो अगर 4 या ऊपर से है तो आज अगर वो रीफाइनेंसिंग करवा ले तो बड़े आराम से उनको 3.5 डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जो करवा लेंगे तो बाकी उनके जो 26 साल है उनको 26 साल में बेनिफिट रहेगा रीफाइनेंसिंग का, वो कितना इससे कम ज्यादा रेट मेरा ख्याल जा नहीं सकते, तो उनको चाहिए कि रीफाइनेंसिंग कर ले। ये जो इन्होंने जो रीफाइनेंसिंग जो आपने बात की ना 2008 की, वो तो एक किस्म का एक इसमें सबसे बड़ा कसूर जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ये इनका गवर्नमेंट का है कि इन्होंने किसी को देखा नहीं। आप यकीन करें ऐसे ऐसे लोग थे कि मान लीजिए उनकी इनकम के हिसाब से उनको 3 लाख की मिलनी चाहिए अप्रूवल, पता है आप घर लेने जाते हैं तो आपको एक पता चलता है कि आपको कितने का आपको लोन मिल सकता है, तो इनको बैंकों ने एक मिलियन डॉलर की देना शुरू कर दिया लोगों को। मैंने देखा हुआ है कि जिस बंदे को मेरे हिसाब से 3 लाख का अप्रूवल मिलनी चाहिए उसके बाद 1 मिलियन डॉलर की अप्रूवल है, तो क्योंकि बैंकों ने अपना पैसा बनाने के लिए इन्होंने यहाँ लूट मचाई। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो जो यूएस गवर्नमेंट का काम था कि वो उसको जल्दी करते हैं, उन्होंने वो जब जाके जिस वक्त ये पूरा कोलैप्स हो गया, उसके बाद हमारा एक बड़ा मसला है कि वो करते ही है कि वो इनको जो जिन लोगों ने ये जो बेसिकली माफिया था ये जो गलतियां की थी उनको फाइन करते हैं 2 बिलियन 3 बिलियन, लेकिन वो बंदा जो बैंक का हेड है, ठीक है, जिसने ये सारी बदमाशी की, वो उसको बोनस भी मिला, उसको यहाँ पे अभी तक ये नहीं हुआ कि किसी को, जैसे आयरलैंड में हुआ, जब आयरलैंड में, क्योंकि मैंने कहा ना ये जो मसला हुआ ना 2008 में कि मालूम चला कि 5% पे घर ले लें, जैसे मालूम चला कि आपसे कहा कि आपका घर तो वैल्यू बढ़ गई है आप पैसे ले लें, ये हर जगह पे चलता ये जो क्योंकि जो अमेरिका करता है पूरी दुनिया में होता है, तो अभी आयरलैंड ने ये किया कि वहां पर जिन लोगों ने ये हरकत की थी सिर्फ बैंक को फाइन नहीं किया बल्कि वो जो उनके जो बैंकर्स थे जिन्होंने हरकत की थी उनको जेलों में डाला। हाँ, जैसे आपने बताया ना कि ये इसकी वजह से तो ये इतना बड़ा है, जैसे आपने कहा कि लोग बाद में डर गए थे, लेकिन जगह जगह पे देखा जा रहा है कि है ना कुछ और भी जहाँ पे मैंने सुना है और देखा भी है कि बोर्ड पे बोर्ड लगे हुए थे कि फोरक्लोजर जिन्होंने इतने सालों का भी मतलब मॉर्गेज पे भी नहीं किया था और जैसे इकोनॉमी डाउन हुई है फोरक्लोजर में घर चले गए, क्योंकि वही बात आती कि इकोनॉमी पे सारा असर पड़ा है। बिल्कुल आया, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो जिस वक्त इनको जो आप यकीन करें कि उसके अंदर 70% केसेस ऐसे हैं कि जिसमें बैंक ने इनको एक किस्म का वो दिया, उनको गलत फायदा दिया अपने अपने पैसे बनाने के लिए, अपने पैसे, ठीक है, उनका भी कसूर है कि इन्होंने देखा ना, आप सोचना चाहिए आपको कि भाई अगर आप जैसे उन्होंने कहा 1 लाख डॉलर आप ले लें, बच्चों को पढ़ा ले, आप जो है बड़ी गाड़ी ले लें, फला कर लें, इसको रिनोवेट कर लें, क्योंकि वो पैसे कुछ भी कर सकते हैं ना, और ऊपर ये भी कहा जाता है टैक्स फ्री है, टेक्निकली टैक्स फ्री उस तरह आपको लगता है ना टैक्स फ्री, आपको 1 लाख मिला उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, भाई वो तो आप कर्जा रह रहे हैं, इनकम तो आपको नहीं हो रही, आपको टैक्स कहाँ देना पड़ेगा, लेकिन वो जो ब्रोशर आता है मार्केटिंग का उसमें लिखा होता है कि भाई आपको पैसे चाहिए रिफाइनेंसिंग के, इसमें जो रिफाइनेंसिंग है वो तो मेरा ख्याल बेस्ट है, लेकिन उस वक्त जो रिफाइनेंसिंग लोगों ने की वो अच्छा, रिफाइनेंसिंग में एक काम और भी हो सकता है, रिफाइनेंसिंग में ये हो सकता है कि आप ये कहें कि फॉर एग्जांपल ये जो है कि आप सोचे कि मुझे पैसा और चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप अपना इंटरेस्ट रेट भी कम करा सकते हैं और आप पैसे भी ले सकते हैं, उसको कैश आउट ले सकते हैं और आई थिंक रेट कम होकर पैसे लेके और शायद साल बढ़ा सकते हैं उसको जो 30 साल की अगर जो वो भी वो भी गुंजाइश हो जाए, फॉर एग्जांपल आपको 3-4 सपोज करो जैसे आपके उनका 30 साल है 5 साल दे दिए तो एक जो रिफाइनेंसिंग करने जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि वो कहे सर मैं दोबारा 30 साल पे जाऊंगा, तो एक तो आपको जो है आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ, आपको दोबारा 25 से 30 साल हो गया तो आपका और आपको बेनिफिट होगा, तो रिफाइनेंसिंग के टेक्निकली बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जैसे आपने बात की 2008 में जो है वो लोगों के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई और ज्यादती करने वाले ज्यादातर ये बैंक शामिल है। पास हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम इसको और मजीद आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास सवालात अभी और हैं, बहुत सवालात हैं, और ये जब मॉर्गेज की बात आती है तो जहन में और भी मेरी तरफ से भी सवाल आते हैं और जो ईमेल्स आई हैं उसको भी हमें जवाब देना है, मगर हम एक काम करते हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करें और जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको भी हम थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो नाज़िम जिनकी जी उसमें ये था कि ये रीफाइनेंसिंग का बेस्ट टाइम है, ओके, तो उनको चाहिए कि वो चाहे मुझसे
फोन से बात कर ले, मैं मशवरा उनको देंगे तैयार हूँ, किसी बैंक से बात कर लेकिन इट इज राइट टाइम फॉर रीफाइनेंसिंग। ओके नाजिम, जैसे आप अभी सुन रहे थे हमारे मॉर्गेज को लेके और जो हमारे जो अभी डिस्कस हो रहे थे अकबर साहब के साथ, अगर रीफाइनेंसिंग का इस वक्त जो है सबसे बेस्ट इस वक्त जो है आप अभी करवा सकते हैं, टाइम है अभी आप करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो इस बात को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई भी आपके सवाल हैं जहन में तो आप प्लीज हमें जो स्क्रीन पे आपका नंबर नजर आ रहा हो या ईमेल आईडी नजर आ रही है तो नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और साथ साथ ईमेल आईडी पे भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच अकबर साहब। थैंक यू जी। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।